जेएनयू ब्राह्मणवाद विरोधी है। एक तो वजह है टेरर, डर है ना, डर नौकरी जाने का डर, डर नौकरी नहीं पाने का डर है ना। तो ये जो तमाम तरह के डर है ये एक बहुत बड़ा वजह है कि लोग नहीं आते। हालांकि हम लोग भी जब फ़ोन करते हैं, नहीं हमारा इंटरव्यू है, नहीं मेरी नौकरी का खतरा है, नहीं हमें वो डांटेगा, नहीं मुझे घर से प्रेशर है, वो जो ये टेरर है ना, डर है, ये भी एक मेन वजह है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ऐसे जो ऑर्गेनाइज मतलब आंदोलन होते हैं या जो बैठकें होती हैं। आपको बताएं हम कि जेएनयू जो ऐसी जगह है जो फूले को मानता है, पेरियार को मानता है ना, और ऐसी जगह है जो अंबेडकर को मानता है, तो अंबेडकर फूले पेरियार को मानने वाले लोग कभी भी दीवारों पर ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसी हरकतें नहीं करेंगे कि भारत छोड़ो टाइप का। हाँ, ब्राह्मणवाद से है उन्हें प्रॉब्लम, वो ब्राह्मणवाद नहीं चाहते, ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरीके की हरकतें, तुम घर छोड़ो तुम देश छोड़ो तरह का, वो जेएनयू ऐसा नहीं लिखता। ये उन लोगों के द्वारा भले ही लिखी जा सकती होगी जिनका ये उद्देश्य होगा कि जेएनयू में एक क्लैश पैदा हो, एक जो जहर का हो माहौल वो जेएनयू में घोला जाए और फिर से एक जो लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई खड़ी कर दी जाए। तो ऐसे लोग ये काम कर सकते हैं जिनका उद्देश्य है, मोटिव है, लेकिन असली में जो फूले अम्बेडकर पेरियार को मारने वाले लोग हैं वो इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। जेएनयू ब्राह्मणवाद विरोधी है और ये यही सही टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ करना चाहिए। ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मण नहीं होता है, दोनों अलग होता है। अगर जेएनयू ब्राह्मणवाद अगर ब्राह्मण के भारत छोड़ो ऐसा नहीं लिख सकता जेएनयू, हाँ ब्राह्मणवाद खत्म करो जेएनयू ये जरूर लिखता है, क्योंकि जेएनयू उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है जो इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो चोरी से करके पीछे दरवाजे से या झूठ बोलकर या बेजबाज कर ये तमाम तरीके योजनाएं अपना के जो सत्ता में आते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जेएनयू जब आवाज़ उठाता है, वो कोई भी देश के कोने का कोई भी व्यक्ति हो अगर सत्ता से सीधे सवाल कर ले, वो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, वो तमाम तरह के द्रोही वाले जो है उस पर लग जाए। जेएनयू के वाइस चांसलर पे टिप्पणी करना इस समय मुश्किल है, क्योंकि उनको अभी समझना जरूरी है, क्योंकि जेएनयू में वाइस चांसलर बनने से पहले वो इसी जेएनयू के खिलाफ, टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ, ब्राह्मण के मतलब जेएनयू के जो लिबरल्स हैं, प्रोग्रेसिव हैं, उनके खिलाफ वो बहुत, उनके ऐसे नहीं होता है जो ट्रोलर की तरह वो लिखते। जेएनयू में 60% से ज़्यादा जो है, क्योंकि डिप्रिवेशन पॉइंट है जेएनयू में, जो पिछले समाज से आते हैं उनके लिए और महिलाओं के लिए भी डिप्रिवेशन पॉइंट है, तो वहाँ पर फीमेल का रिप्रेजेंटेशन मेल से ज़्यादा है और जो बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन जो अपर कास्ट है उनसे ज़्यादा है। वामपंथियों का वहाँ पर थोड़ा, जैसे कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं जो फूले अम्बेडकर और इन सब का, हाँ, तो आप लेफ्ट की बात कर रहे हो, तो लेफ्ट हमेशा से लीडिंग पार्टी वहाँ पर रही हुई है, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा यूनाइट हो जाते हैं इलेक्शन टाइम, ऐसे भले ही अलग अलग हों, तो उनका जो एक था, लेकिन इस वक्त कहना थोड़ा सा ये गलत होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो डिक्लाइनिंग, जैसे ही ये सत्ता घुसी है और जैसे ही ये जहर फैलाने वाले लोग कैंपस में बढ़े हैं, तो जेएनयू वामपंथ एक डिक्लाइनिंग स्टेज में है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया कि अंबेडकर फूले पेरियार को मानने वाले लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, और जहां तक लेफ्ट की जहां तक सवाल है, वो पोस्टर करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, वो जो अत्याचार शोषण हुआ है ये, क्योंकि मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ ना ही जज हूँ कि मैं डिक्लेयर कर दूँ कि ये किसकी हरकत है, लेकिन जिसकी भी है वो बहुत ही घृणित मानसिकता से उसने लिखा है, चाहे लेफ्ट या राइट, हम कह नहीं रहे कि इसमें कौन लिखा है, लेकिन जिसका है वो लेफ्ट वर्सेस राइट की डिबेट कैंपस में एक लड़ाई की डिबेट खड़ा करना चाह रहा है। इससे क्या होता है कि अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है अदर देन लेफ्ट एंड राइट, उनको घाटा हो जाता है कि इलेक्शन के पहले अगर ऐसे मुद्दे छेड़ दिए जाते हैं ना, तो वो लेफ्ट राइट आपस में लड़ता है और पूरे मीडिया का फोकस लेफ्ट और राइट पे हो जाता है, और जो उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है छोटे छोटे वो फिर खत्म हो जाते हैं, न्यूज में नहीं रहते हैं। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो इसका एक पार्ट माना जा सकता है, क्योंकि जब से ये हुआ है लेफ्ट राइट पे आरोप लगा रहा है, राइट लेफ्ट पे आरोप लगा रहा है, तो जो बीच के लोग होते हैं, जैसे अभी नॉनवेज वाला इशू हुआ था दुर्गा पूजा उसके टाइम पे, तो उसमें भी लेफ्ट वर्सेस राइट, लेकिन मार खाया कोई बीच का, जो सेंटर में है वो मार खाया, वो लड़ाई लड़ा, वो सब मार बहुजन ही खाता है, लेकिन क्रेडिट हमेशा लेफ्ट या राइट को जाता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो जिसकी जितनी संख्या भारी हो वो उसको उतना मार भी पड़ता है। इस तरह का है। नहीं, सोए नहीं हुए हैं, अभी जगे हुए हैं और इसीलिए यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है।
और कई जगह ऐसे प्रोग्राम हो रहा है, तो अगर जगे हुए हैं तभी ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन ये कह जरूर सकते हैं कि हमें जिस स्पीड से प्रोग्राम करना चाहिए, हमें जैसे आंदोलन करना चाहिए, हमारी वो फेलियोरिटी है कि हम शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रही हैं जगे हुए हैं, तो फिर EWS आ गया, सब कुछ लुट गया, कॉर्पोरेट हाउस में चला गया, तो आप बोल रहे जगे हुए हैं, तो कैसे जगे हुए हैं आप? जगे ऐसे हुए हैं कि मैम, जो सत्ता में पार्टी बैठी हुई है वो आपको बताया टेरर, वो जो जगे हुए लोग हैं उनके ऊपर तलवार रखी हुई है, टेरर एक कायम कर दी हुई है कि तुम बोल भी नहीं पाओगे और तुम्हारा तो हम नीचे से ऐसे खींच लेंगे। OBC हमेशा मार खाता है, वो बीच वाला हमेशा मार खाता है, सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा मार खाते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब मिलने की बात आती है, जब प्रॉफिट की बात आती है, जब शेयर की बात आती है, तो इनके फिर कर दिया जाता है गला। एकलव्य का जब इंटेलेक्चुअल आपने कहा, तो एक इंटेलेक्चुअल हमेशा यही कहेगा कि उसको नौकरी में, संस्थानों में, है ना, उसको यहाँ जज में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर मैं इंटेलेक्चुअल हूँ तो मैं यही कहूँगी आपको, मैं पहले ही बोल दी, टोकनिज्म की पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसकी वजह से ये जो कास्ट डिवाइडेड है, जो जातियाँ, उसमें एक कास्ट से उठाकर जो पावरफुल हो रहा है उसको एक टोकन के रूप में बैठा दो, उसका मुँह ऐसे ही बंद हो जाएगा। और सिर्फ मुँह नहीं बंद करना, टेरर भी कायम कर देना है। तो ये जब तक जातियाँ ऐसे डिवाइडेड रहेंगी और टोकनिज्म के लालच में पड़ती रहेंगी, तब तक हम कोई भी आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन नहीं बना सकते।